Good morning, students. Today I will show you some more textures. This is the second part of your watercolor video, part 2. So you can see now. Now, अब हम कुछ अलग तरीके के दूसरे textures बताएंगे कि watercolor से आप और क्या-क्या textures दे सकते हो. तो हमारे पास यहाँ पे है cling wrap. ये क्लिंग रैप एवरीवन सबके घर पे अवेलेबल होता है. तो ये है मेरे पास, एंड देन एल्युमिनियम फॉइल, एंड ये रबिंग अल्कोहल है. रबिंग अल्कोहल से भी हम बहुत अच्छा टेक्सचर दे सकते हैं. सो अब शुरू कर. This is rubbing alcohol effect, aluminium foil effect, now oil pastel effect. Now I will use oil pastel. Now dry brush texture. So इसमें हम dry brush लेंगे color पे, and then इसका texture like grass. इसका grass की तरह texture आएगा सूखे brush का. ये ग्रास के लिए, घास के लिए अच्छा इफेक्ट रहता है. घास का इफेक्ट ग्रास का, या लॉन में एंड ट्री पे भी होता है. दिस इज द ड्राई ब्रश इफेक्ट टेक्सचर. This one is dry brush texture. Okay. Now
रबिंग एल्कोहल वाला वीडियो मिस हो गया, कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं ये दोबारा आपको बता देती हूँ। रबिंग एल्कोहल ओके विद द क्रीम, एंड दिस आई हैव यूज टू कलर्स और अब इसमें हम सिंगल कलर ही यूज़ कर रहे हैं। ओके अब इसमें रबिंग एल्कोहल ड्रॉप करेंगे। Beautiful texture is coming with the rubbing alcohol drops. So now you can see all the texture, some more textures we can make, but I don't have material for that. Many more things you can apply, but टेक्सचर आई टेल यू इन द क्लास, जब मैं आपके क्लास में आऊँगी तब दूसरे टेक्सचर के मटेरियल्स के बारे में बताऊँगी, जो भी अवेलेबल था मैंने सिर्फ उसके टेक्सचर्स आपको बताए। तो ऑल द बेस्ट।